नमस्कार। तो भी कैसे आप लोग? तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे, और भाई परसेंटेज के यहाँ पे मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि परसेंटेज में जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे वो आप लोगों के लिए आगे भी चैप्टर में बहुत काम आएंगे, और वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें अगर यहाँ आज समझ आ गई तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, रटने पे बिल्कुल भी ध्यान ना दो, चाहे आपको देरी से समझ आए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ आ गए ना तो फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखना भाई, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा, देखना जरा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बेसिक बातें बताता हूँ, उसके बाद में हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप इधर देखना। इफ ए इज 20% मोर देन बी एंड बी इज 25% लेस देन सी, देन फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस देन सी, देन फाइंड ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन सी, आप लिख लेना यहाँ पे। तो आप एक बात यहाँ से ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको दो पॉइंट बताऊंगा। एक तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि ये पॉइंट समझना आपकी, ए इज 20% ऑफ बी। एक तो मैंने ये लिखा, एक मैंने लिखा कि एज 20% मोर देन बी, और एक मैंने लिखा कि एज 20% लेस देन बी। ए इज 20% लेस देन बी, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट आप लोगों के सामने लिखे। तो ये देखो कहना क्या चाह रहा है, पहली बात मैं यहां से जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। एज 20% ऑफ बी, सबसे पहले आप यहां पर आना कि एज 20% ऑफ बी, यानी जो ए है ना वो बी का 20% है। ए है वो बी का, किसका भी बी का। तो आप क्या बोल रहे हैं कि एज 20% ऑफ बी, यानी बी का 20% है। तो आप क्या बोलेंगे कि मान लीजिए, मैं एक बार अज्यूम करता हूं कि मैं कह देता हूं कि बी मान लीजिए 100 है, ठीक है, क्योंकि परसेंट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, परसेंट का मतलब पर 100, यानी 100 पे कंपैरिजन। तो मैंने बी को 100 माना, यानी जो ए है ना, अब यहाँ पे क्या बोलने लग रहा है कि अगर मैं बी को 100 मान लेता हूं तो यहां से जो ए है ना वो इस बी का 20% है। सबसे पहला पॉइंट देखो, बी का 20% है, तो मैं क्या बोलूंगा कि बी कितना 100 और इसका 20% कैसे लिखेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, 20 और परसेंट का मतलब अपॉन क्या आ गया, 100, यानी 20% जो कितना हो गया अभी 20, यानी ए कितना हो गया, 20 हो गया। अब अगला पॉइंट ध्यान देना, अगर मैं मानू कि बी 100 है, ठीक है, मैंने मान लिया कि बी 100 है, तो यहां से क्या बोल रहा है कि ए इज 20% मोर देन बी, यानी जो ए है ना वो बी से 20% मोर देन है। मुझे बताओ बी कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, 100, यानी ये कंपैरिजन किससे कर रहा है, तो बोलेंगे कि बी से कंपैरिजन कर रहा है। ए इज 20% मोर देन बी, यानी ये बोल रहा है कि जो बी है ना उसी से मोर देन है, मतलब बी से 20% ज्यादा। तो आप क्या बोलेंगे कि जो बेस है ना वो बी है, मतलब अगर बी 100 है ना तो उस बी का 20% ए ज्यादा है। तो अभी आपने निकाला कि जो बी है उसका 20% कितना था भाई, तो आपने 20 बोला, तो जो ए है वो कितना हो जाएगा, 100 तो है ही है, तो उस बी से 20% ज्यादा भी, यानी ये कितना हो जाएगा, ए यहाँ से 120 हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या है कि बी अगर 100 है तो जो ए है ना वो बी से 20% कम है, यानी कि अगर बी को मैंने 100 माना है तो ए है ना उससे 20 कम है, यानी ए कितना होगा, 80 होगा। आपके सामने तीनों कंडीशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, आप इन तीनों कंडीशन को समझने की कोशिश करो कि ए इज मोर देन का मतलब क्या होता है और 20% लेस देन का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है। छोटी छोटी बातें देखो, ये अगर आप सीखोगे ना तो आगे आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अब एक तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक क्या कह सकते हैं, यहां से देखना, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये वाला, ए इज 20% ऑफ बी, जो ए है ना वो बी का 20% है, मतलब क्या कह रहा है कि बी का 20%। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए है ना वो इक्वल है किसके, बी, बी और इसके 20%, यानी बी का 20% क्या होता है, 20 और परसेंट का मतलब अपॉन 100, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या बोल रहा है कि ए है ना एज 20% मोर देन बी, यानी ए है ना वो बी से, किससे भाई, तो आप कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, बी से, यानी ए इक्वल है बी के, तो बी के कितना 20% ज्यादा, यानी अपॉन 100। सबसे पहले तो बेस में 100 लेना है, क्योंकि आप परसेंट में बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि बेस में 100, अगर मान लीजिए ये 100 है तो जो ए है ना वो बी से 20% ज्यादा है, यानी कि बी से 20% ज्यादा, मतलब मैंने 100 यहाँ पे बेस में लिया, अब कह रहा है कि जो ए है ना वो इससे 20 ज्यादा, यानी 100 प्लस कितना हो गया, 20 हो गया, मतलब ये क्या बन गया अभी, ए इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटू 120 अपॉन 100। आई मेरी बात समझ। तो यहां से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो रहा है, 6:5, यानी यहां से a अपॉन b बराबर कितना आ गया, 6:5, यानी कि a रेशियो b की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जा रहा है अभी, 6:5।
ठीक है, मोर और लेस होता तो वैसे भी हम लिख लेंगे कि लेस है तो वो कम कर देंगे उसको। अगर मान लीजिए 20% यहाँ से कम होता, मैं कह दूं कि यहाँ से 20% कम होता तो आप क्या कर देते, 100 में से 20 माइनस कर देते। ये तो है बेसिक बातें। अब देखना इनको लिखते कैसे, अगर मोर देन लिखा है ना कि एज 20% मोर देन बी, तो बी से ज्यादा है। अगर मोर देन, अगर ऐसे कहता ना कि इफ बी इज 20% मोर देन ए, तो आप बेस किसको मानते, ए को मानते। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप बेस किसको मान रहे हो, जिससे कंपेरिजन हो रहा है वो बेस वैल्यू है। अब अगले पॉइंट पे आना भाई, ये तो थी आपकी बेसिक बेसिक बातें। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ये मोर और लेस क्या होता है, और ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि मोर देन या भी 20% बहुत आसान आसान सी बात है। अब क्या बोल रहा है कि एज 20% मोर देन बी, भाई इसका मतलब क्या है कि एज 20%, मैंने आप लोगों को बताया था 20% यानी परसेंट हटा दो कितना बन जाएगा, 20/100, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। अब कह रहा है कि ए रेशियो बी, अब ध्यान से समझना, ए इज 20% मोर देन बी, यानी ए है ना वो बी से ज्यादा है, किससे, बी से। तो कंपैरिजन किससे कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि कंपैरिजन कर रहा है बी से, यानी मैं बेस किसको मानूंगा, बी को, मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो है ना वो बी को मानूंगा। और मैंने बोला था कि कंपैरिजन परसेंट में होता तो अपॉन में 100 आता है, यानी अपॉन वाली जो वैल्यू है वो बेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो है ना 100, जिससे कंपेरिजन का नीचे वाला जो 1/5 है ना, यहां से आप इसको अगर वापस 20/100 भी लिख सकते हो या 1/5 भी लिख सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये क्या बना कि नीचे वाली बेस वैल्यू है, यानी जो ए है ना वो 20% मोर देन बी, मतलब अगर बी 5 है ना तो इससे ए है ना वो 20% ज्यादा, और नीचे जो लिखा है ना 5, इसी का 20% ऊपर लिखा हुआ है, इससे 5 का ही 20% 1 होता है। आप निकाल के देख लो, 5 × 20/100 ये कितना बनेगा भाई, 1 बन जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना 1, ये इस 5 का ही 20% है। तो आप क्या बोलेंगे कि ए है ना वो बी से 20% ज्यादा है, यानी अगर बी 5 है ना तो ए उससे 1 ज्यादा है, मतलब ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही बोलने लग रहा हूँ, अगर कम होता तो आप कम कर देते। ठीक है, ये पॉइंट था। अब अगले पॉइंट पे आना भाई, छोटी छोटी सी बातें बहुत आसान है, बस आप थोड़ा थोड़ा इनको समझने की कोशिश करो। जिससे कंपैरिजन करता है वो हमेशा बेस वैल्यू होती है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड बी इज 25% लेस देन सी, 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, 25/100। तो अब कंपेरिजन किसमें करना, बी और सी में, चलिए बी सी लिख दिया मैंने। तो क्या लिख रहा है कि बी इज 20% लेस देन सी, यानी बी है ना वो सी से 25% कम है, किससे, सी से। तो आप बेस किसको मानेंगे भाई, सी को। तो ये नीचे 4 है ना, मान लीजिए सी 4 है तो उससे 25%, यानी इस 4 का ही 25% 1 है, यानी इस 4 से 1 कम है बी, यानी बी कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन सी, यानी जो ए है ना वो बताइए मुझे कि सी से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो सबसे पहले तो आप इनको मर्ज करिए कि कैसे मर्ज करते हैं, और मैंने एक बेसिक क्लास आप लोगों की ले रखी है कि रेशियो कैसे मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे ए रेशियो बी 6/5 आ गया, बी रेशियो सी कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो मुझे बताना ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 है। देखो बहुत आसान आसान चीजें अभी बता रहा हूं मैं कि बी की वैल्यू यहाँ पे 5 और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो मुझे एक बात बताना आप लोग कि ये बी अलग अलग हो सकता है क्या, एक जगह पे 5 हो जाए एक जगह पे 3, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इक्वल किया इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किससे कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही बोल रहा हूँ, बराबर हो गया देखो बी, तो इधर 3 से तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई, 3 से, इधर 5 से तो इधर भी किससे, 5 से। यानी अगर यहाँ पे बात करूं मैं ए रेशियो बी रेशियो सी की, तो कितना आ गया अभी, ये बन गया 18:15:20। ये आप लोगों के पास ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है कि ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन सी, जो ए है ना वो यहाँ पे परसेंट लगा देना, हाउ मेनी परसेंट, ठीक है, ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन सी, जो ए है ना वो सी से, किससे भाई, आप मुझे बताना कंपेरिजन किससे कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, कंपेरिजन कर रहा है सी से, यानी ए है ना वो सी से कितना परसेंट कम और ज्यादा है, ए सी से कितना परसेंट कम है। तो ध्यान से देखो भाई, आप मुझे बताओ सी कितना है, तो आप बोलेंगे कि सी 20 है, और ए कितना, 18 है, तो बताना जरा इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 2 कम है। तो बताओ भाई जो ए है ना वो सी से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, ये कमी तो हुआ ना, तो आपको बोलेंगे भाई इससे कम है, तो कमी तो पूछा है, तो बताओ कि ए से सी से कितना परसेंट कम है, तो भाई आप क्या बोलेंगे कि सी से कंपैरिजन कर रहा है, यानी अपॉन में क्या लिखेंगे, सी, मतलब बेस सी को मानेंगे। तो सी तो 20 है और उससे ए कितना कम है, तो आप क्या बोलेंगे, ए से 2 कम है, और अगर परसेंट में चाहे तो इंटू क्या लगा दो, 100, यानी कितना आ गया बताना जरा, 10% आप लोगों के पास में क्या आ गया, आंसर आ गया।
यानी जो ए है ना वो सी से 10% कम है। अगर मान लीजिए ऐसे पूछे कि जो ए है ना वो सी का कितना परसेंट है, ए इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ सी, ए इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ सी, यानी सी का, तो आपसे कंपैरिजन सी का कर रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सी तो 20 है और ए है ना, ए टोटल ए उसका कितना परसेंट है, तो टोटल ए कितना हो गया 18 और इंटू 100 यानी कितना आ गया भाई ये 90%, यानी कि जो ए है ना वो सी का 90% है। आई मेरी बात समझ में, क्या बोलने लग रहा हूँ, बहुत आसान सी बातें थी। अगर जिससे कंपैरिजन करता है बस आप ध्यान रखना कि वो वैल्यू अपॉन में होती है, बस ये आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है भाई, क्या बोला इसने कि इफ ए इज 16.66% लेस देन बी प्लस सी, यानी आप मुझे एक बात बताओ, इस 16.66% का मतलब क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था, तो आप क्या बोलेंगे इसका मतलब है 1/6। मैंने कल आपको फ्रैक्शन से जब बताए थे तो उसमें ये वाली बातें बताई थी, देख लीजिए 16.66 कितना होता है भाई, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि 16.66 है वो कितना होता है 1/6, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ 16.66 1/6 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बड़ा आसान सा पार्ट था। चलिए ये हो गया 1/6, यानी जो ए है ना वो बी प्लस सी से लेस देन है 16.66। तो चलिए मैं इस पे डिस्कस करता हूँ, ए रेशियो बी प्लस सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ए रेशियो बी प्लस सी, जो ए है ना वो बी प्लस सी से किससे भाई, तो आप क्या बोलेंगे बी प्लस सी से कम है, इससे कम है, तो आपने लिखा भाई 16.66 का मतलब होता है 1/6, यानी बी प्लस सी से कंपैरिजन कर रहा है, तो ये अपॉन वाली है बेस वैल्यू, यानी बी प्लस सी अगर 6 है ना तो ए इससे इसका 16.66% होता है 1, वो 1 कम है, यानी ए कितना हो गया अभी 5 हो गया। ये आपका पहला पॉइंट खत्म। आगे कह रहा है कि 12.5%, यानी इसका मतलब होता है 1/8, आप लोगों को मैंने बताया था 12.5%, 12 1/2%। आगे क्या बोला कि बी इज 12.5% लेस देन ए प्लस सी, तो अब क्या बात कर रहा है भाई, अब कर रहा है बी और ए प्लस सी में कंपैरिजन। चलिए भाई इस पे भी आते हैं, तो जो बी है ना वो ए प्लस सी से इतना कम है, यानी इससे कम है, मतलब बेस वैल्यू किसको मान रहा है ए प्लस सी को, तो ए प्लस सी कितना हो गया 8 हो गया, तो ये इससे कम है यानी कितना हो गया 7 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन बी, ए है ना वो बी से कितना परसेंट, यहाँ पे परसेंट लिख लेना भाई आप लोग, ये है ना यहाँ पे परसेंट लिख लेना, तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन बी, तो बी से कितना परसेंट मोर और लेस देन है। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि आपको ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो पहले इनको रेशियो मर्ज करना, मैंने आप लोगों को एक पूरी क्लास ले रखी है इस पर, तो उसको पहले आप देखें, रेशियो मर्ज करना अपने आप आपको समझ आ जाएगा। तो पहले देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया अभी, यहाँ से सबको मैं जब एड करूंगा तो कितना आएगा जरा बताना, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 11 आ गया, और यहां से अगर मैं सबको ऐड करता हूँ a प्लस बी प्लस सी को, तो बताना यहाँ से कितना आता है भाई, यहाँ से 15 आ गया। मतलब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से सम कितना बना भाई, यहाँ से तो सम बन गया 11 और यहाँ से सम कितना बन गया 15, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे किससे भाई, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15 से मल्टीप्लाई, सही है, तो 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा, हर जगह पे इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 11 से, तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा 11 से, और यहाँ भी किससे भाई 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ यहाँ से मेरे पास रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, क्योंकि तीन ही नंबर है, तो आप देखो ए कितना आ गया 15 इंटू 5 कितना होता है 75, ए की वैल्यू आ गई 75, बी कितना आ गया, बी आ गया 77, 11 इंटू 7 77, अभी सी नहीं आया तो सी कैसे निकालेंगे, चलिए भाई कोई बड़ी कहानी थोड़ी है, मुझे बताओ बी कितना है, तो आप बोलेंगे बी 77 है, और बी प्लस सी कितना है, ये देखो बी प्लस सी कितना है, तो आप बोलेंगे 15 से कितना होता है 90 होता है, तो दोनों मिलाकर 90 हो गया, और ये बी प्लस सी दोनों 90 हो गया, और ये अकेला 77 है, तो 77 उसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप क्या बोलेंगे सी आ जाएगा यहाँ पे 13, सही बोल रहा हूँ। अब चलो किससे कंपेरिजन कर रहा है कि ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन बी, भाई ए और बी में कंपेरिजन था, सी से तो हमें मतलब ही नहीं था, तो सी तो हमने ऐसे ही निकाला, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो अब आते हैं भाई इसके आंसर पर कि ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन बी, जो ए है ना वो बी से कितना परसेंट कम और ज्यादा है, ए है वो बी से किससे, तो कंपैरिजन कर रहा है बी से, यानी बेस में आप लेंगे बी 77 और ए उससे कितना कम है भाई 75 है, तो ए उससे 2 कम है इनटू 100
इतना परसेंट क्या हो गया भाई, ये इससे कम हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बड़ा आसान सा था, तो बातें आप लोगों को समझ आ ही रही होगी क्या कहने लग रहा हूं मैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में आ जाए कि इफ ए प्लस बी इज 20% मोर देन सी प्लस डी, ए इज 16.66% लेस देन बी, सी इज 25% मोर देन डी, देन फाइंड ए इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन डी। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले ए बी सी और डी का रेशियो पता करना है कि आप कैसे रेशियो निकालते हैं। उसके बाद जैसे ही रेशियो है ना, फिर आप जिसका कंपेरिजन कराना वो आप करा लेना, आप आराम से बता सकते हैं। और रेशियो मर्ज कैसे होता है उस पर मैंने क्लास ले रखी है सबसे पहले, क्योंकि ये हर जगह पे काम आता है। बड़ा आसान है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आओ जरा। एज 25% मोर देन बी एंड एज 62.5% लेस देन ए प्लस बी प्लस सी, देन फाइंड एज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन सी। तो बताओ ए है ना वो इससे जो भी दे रखा आपको कितना परसेंट कम या ज्यादा। तो सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालना हमारे पास चैलेंज होता है, तो पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं। तो देखो जरा 25% सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ आप देखो तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कंपैरिजन किस में, ए और बी में। तो क्या बोलने लग रहा है कि ए इज 25% मोर देन बी, जो ए है ना वो बी से ज्यादा है। तो बी इसमें बेस लेंगे तो बी 4 हो गया, तो ए उससे ज्यादा है, यानी ए कितना हो गया 5 हो गया। सही बोल रहा हूँ। आगे क्या बोल रहा है कि बी 62.5%, 62.5 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था 12.5 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16.5 आता है, यानी आपके पास में कितना आएगा, ये 5/8 बनता है। ध्यान से देखो, मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद है तो। बड़ा आसान सा था ये, यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को याद रखिएगा। ये देखो 5/8 ये लिखा हुआ यहाँ पर कि 5/8 है 16.5 या फिर 62.1/2% ये वाला लिखा हुआ है, तो 5/8 हो गया। अब कंपेरिजन किससे कर रहा है, A is 62.5% less than A plus B plus C, यानी comparison है A ratio A plus B plus C पर। तो A B C है ना वो अगर 8 है तो उससे 5 कम है। देखो ध्यान से, ये 5 कम है A, तो 8 से 5 कम यानी A है कितना, तो आप क्या बोलेंगे, A 3 हो गया। तो अब इसको जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो कितना आएगा, A तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर A 3 है, तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ पे किससे हो जाएगा, 5 से। तो अब आप एबीसी का रेशियो निकाल लो और आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर, ए की वैल्यू आ गई 15 और बी की कितनी आ गई 12। अब आपको सी की वैल्यू चाहिए तो मुझे बताना ए बी सी तीनों मिलाकर कितने हो गए 40, और ए और बी कितने हो गए भाई, ये कितना बन गया भाई 12, आप देखो देखे 15 और 9 और 27 हो गए, तो सी कितना बन जाएगा भाई, सी बन जाएगा 13, और फिर बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, इतनी बातें आप लोगों को दे रखे, तो आप बताओ B इज हाउ मेनी परसेंट मोर और लेस देन C, जो B है ना वो C से कितना परसेंट मोर और लेस देन है। तो आप बोलेंगे कि C तो कितना है भाई यहां पर, तो C 13 है। सही बोल रहा हूं, C 13 है। अब बताओ B इससे कम है या ज्यादा, तो आप कहेंगे भाई B इससे कम है 1, तो B 1 कम है इनटू 100, इतना परसेंट क्या हो गया अभी कम हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बड़ा आसान सा था, बस आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए, बहुत आसान चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को समझ आई होगी। ये आपके आसान आसान से क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको बेसिक बातें जो है वो बताने की कोशिश करी है, और आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व करें, बड़ा आसान है ये भी। चलिए भाई अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। पहले सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन मैं रखता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन सारे आसान ही है, बस आप समझ जाए इनको। If x percent of x equal to plus y percent of y equal to 2% of x y, then find what percent of x is y. तो देखना जरा, x percent of x, तो आप क्या लिखेंगे x और इसका x percent of x यानी एक नंबर था x और उसका x percent कैसे लिखेंगे, x upon 100, x percent more or less नहीं कह रहा मैं आपसे, कहूंगी 20% more, उसको कैसे लिखते हैं 100 प्लस 20 लिखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मैं कहूं कि x इज 20% ऑफ y, x इज 20% यानी उसी का 20% यानी सिर्फ 20 लेना आपको, तो x इज x परसेंट यानी x अपॉन 100 और प्लस कितना हो गया y इज y परसेंट यानी y अपॉन 100, ये किसके बराबर है भाई 2% ऑफ xy into 2 अपॉन 100। तो सबसे पहले तो बेस में 100 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा भाई, ये बन गया x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से टू एक्स वाई, तो इधर माइनस लाएंगे तो माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये आप ध्यान से देखो तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बना हुआ इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यानी x और y तो दोनों इक्वल दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में कि x और y दोनों इक्वल हैं। इसने क्या बोला है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो आप मुझे बताओ कि जो x है ना वो y का कितना परसेंट है, यानी x है वो y का कितना परसेंट है। तो आप यहां से अगर रेशियो लेना चाहो ना तो x अपॉन y 1:1 आ गया, यानी x है जो y का कितना परसेंट है, मतलब y कितना है 1, और जो x कम या ज्यादा नहीं पूछ रहा, x वो y का टोटल कितना परसेंट है, तो x भी 1 है और परसेंट में जाए तो इनटू 100, यानी कितना हो गया 100%, यानी दोनों बराबर हैं। 100% का मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल, और दे ही रखे हैं कि दोनों इक्वल है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 100% है यानी x है वो y का 100% है, या फिर y है वो x का 100% है, दोनों इक्वल है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए पहले इससे पहले इस क्वेश्चन पे आइए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये वाला भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इफ ए इज एक्स परसेंट ऑफ बी, यानी जो ए है ना वो एक्स परसेंट ऑफ बी, सिर्फ एक्स परसेंट बात कर रहा है, तो मोर और लेस नहीं बता रहा, तो ए है ना वो इक्वल टू है एक्स परसेंट ऑफ बी, यानी बी का एक्स परसेंट, यानी बी इंटू एक्स अपॉन 100 इसके बराबर है, ठीक है। चलिए, और b is x percent of a plus b, यानी जो b है ना वो x percent of a plus b, मतलब a plus b का x percent है, यानी कितना बन गया x upon 100। सही बोलने लग रहा हूँ, ये दो बातें आप लोगों के सामने रखी है इसमें। अब चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहां से मुझे बताना a upon b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, भी तो आप क्या बोलेंगे x upon 100 आ जाएगी, सही है। अब इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो मुझे बताना x upon 100, सॉरी ये यहाँ पे आएगा तो ये 100 अपॉन एक्स बन जाएगा, ये वाला तो ये बन जाएगा 100 अपॉन एक्स, बराबर कितना आ जाएगा, बी उधर जाएगा तो बनेगा ए प्लस बी, और फिर इस बी से डिवाइड होगा तो 1, सही है। अरे इतना तो बनेगा ना, बी अगर इस तरफ जाएगा तो बी ए अपॉन बी, और इसको डिवाइड होगा तो सिर्फ 1 बन जाएगा। तो मुझे बताना ए अपॉन बी की यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी हो, तो आपके पास लिखी हुई है एक्स अपॉन 100, तो यहाँ से कितना आ गया 100 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 100 और प्लस 1, ये आपके सामने लिखा हुआ है। Then find x, तो आपसे x की वैल्यू पूछिए। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं इसको सोल्व करके। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 100 100 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना आएगा भाई 100x, और माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ गया इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब आपको यहां से x की वैल्यू चाहिए तो बनता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर, और माइनस 4ac, और माइनस c यहाँ पे माइनस है तो प्लस बन जाएगा 4, और ये कितने आ गए 40, और अपॉन 2a यानी अपॉन 2, और माइनस b यानी b यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे माइनस 100 लिख लेना। अब हमें पता ये भी माइनस का और ये वाला क्या है, अभी ये माइनस नहीं हो सकता तो प्लस आएगा, तो ये x की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, ये जो है ये x की वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो वो आपकी पूरी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन को घर से सोल्व करना, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि इफ पी आंसर पी परसेंट मोर देन क्यू, और क्यू आंसर क्यू परसेंट लेस देन पी, और पी माइनस क्यू है वो 10 से बड़ा है, देन फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी। तो आप मुझे p की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, बड़ा एक कमाल का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें और बाद में इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जिसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है, या कितना परसेंट इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ सकती है, इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन है उनमें से कौन सी इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक बात बताओ भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इफ ये अगला क्वेश्चन लिखा है कि p इज x परसेंट लेस देन q, जो p है वो x परसेंट लेस देन q, x परसेंट लेस देन, ध्यान रखना लेस और मोर, सिर्फ x परसेंट नहीं बोल रहा है, और p इज y परसेंट लेस देन r, r इज k परसेंट मोर देन q, देन फाइंड k इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो आप k की वैल्यू बताओ x और y, मतलब सिंपलीफाइड वैल्यू आप लोगों को बतानी। तो सबसे पहले इस पर आते हैं, p इज x परसेंट लेस देन q, यानी जो p है ना वो क्यों से x परसेंट लेस देन है, तो जो p है ना p वो क्यों से, क्यों है ना उससे x परसेंट कम है,
यानी एक्स परसेंट कम को मैं कहूंगी 20% कम लिखो, तो आप क्या लिख दो, 100 अपॉन 100 में से 20 माइनस कर दो, तो यहाँ पे एक्स है तो 100 में से क्या कर दो, एक्स माइनस कर दो, बात तो यही है। आगे क्या बोल रहा है कि पी इज वाई परसेंट लेस देन आर, आर है उससे वाई परसेंट कम है, यानी 100 माइनस y अपॉन 100, ठीक है, और आर इज के परसेंट, इसको यहाँ पे लिख लेना अगला पॉइंट, आर है ना वो के परसेंट मोर देन क्यू, आर है वो क्यू से के परसेंट मोर देन है क्यू से, तो क्यू और इन टू 100 और इससे के परसेंट इस बार ज्यादा है, तो क्या कर देंगे 100 प्लस के, सही बोल रहा हूँ। अब आपको बताना है के की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, तो भाई सोल्व करो। सबसे पहले ये जो यहाँ पे पी की वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली, ये पी की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये वाले में, इसमें मैं पी की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें पी की वैल्यू डाली तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, अभी आपके पास में ये वाली पी की वैल्यू क्यों और ये आर यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू निकल कर आएगी क्यू इंटू 100 माइनस एक्स और अपॉन 100 और बराबर हो गया आर इंटू 100 माइनस वाई और अपॉन में कितना हो गया भाई 100, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप ध्यान से देखो, मैं इधर इस क्यू से डिवाइड कर देता हूँ, ये वाला क्यू है इसको इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 100, तो इसको इधर डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा भाई मेरे पास, जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 100 माइनस वाई और अपॉन में कितना आ गया 100 और इक्वल टू कितना आ गया भाई आर अपॉन क्यू, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से इस क्यू को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आर अपॉन क्यू के इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 प्लस के और डिवाइड बाई कितना आ गया 100, बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये भी आर अपॉन क्यू है ये भी आर अपॉन क्यू है। अब आप इसको जैसे इक्वल करेंगे ना ये पार्ट, तो आपके सामने इसकी वैल्यू निकाल के दे देगा कि ये तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे ये वाला, और फिर आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 उधर मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस 100 कर देना, तो के की वैल्यू आप लोगों के सामने होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा, वैसे भी अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन मुश्किल होता नहीं, सारे क्वेश्चन लगभग आसान होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना जरा, ये पूछा गया अभी कैट 2012 के पेपर में, ठीक है, क्या है कि x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई परसेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई परसेंट ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 40, तो आप इसकी वैल्यू बताओ, बड़ी मतलब लिखा हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वाई, यानी x है वो प्लस माइनस वाई, यानी ना तो y के इक्वल है ना प्लस y के और ना माइनस y के, प्लस माइनस y किसी के इक्वल नहीं है और x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के भी इक्वल नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू बताओ जो आपके सामने वैल्यू रखी हुई है। चलिए भाई हम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो इसका परसेंट वगैरह उठाते हैं, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका आप लोग परसेंट लिखो भाई, ये वाला एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसका परसेंट लगाने के लिए हटाने के लिए क्या कर दो भाई अपॉन 100, 1 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन इतना परसेंट है तो 1 अपॉन 100 अलग से लिख दो चाहे आप, प्लस इसका क्या कह रहा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो आप लिख दो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और इसका इतना परसेंट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और परसेंट से है तो क्या कर दो 1 अपॉन 100 और बराबर कितना दे रखा आपको 40 दिया हुआ, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है। अब आप यहां से देखें थोड़ा सा सोल्व करने की क्वेश्चन को कोशिश करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई और क्या आ जाएगा भाई आपके पास में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x प्लस वाई नीचे x प्लस वाई ऊपर आएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना भाई सिर्फ x माइनस वाई, तो यहाँ से x माइनस वाई यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ पे, तो कितना बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना आ गया भाई 100, उस 100 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये x माइनस वाई का स्क्वायर और ये x माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये कितना बन गया ये बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो a a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा कितना बन गया इतना, और इसके भी 100 उधर इसको भेज देंगे तो कितना बनेगा 40 और ये दो जीरो और लगे 4000, ठीक है, इतनी वैल्यू आप लोगों के सामने बन गई। अब देखना इसको जैसे ही आप लोग सोल्व करेंगे ना, तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर, यहां से बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस कितना बन गया अभी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये इतनी आपके पास में वैल्यू निकल के आ गई, तो y स्क्वायर से सबसे पहले मेरे पास y स्क्वायर कैंसिल हो गया और कितना आ गया अभी ये 2x स्क्वायर जो भी आपके सामने वैल्यू बनी है 2x स्क्वायर माइनस 2xy, तो मैं यहां से क्या करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बनेगा x स्क्वायर माइनस xy और इक्वल टू कितना आ गया 4000 आपके पास में वैल्यू निकल के आ गई। यहां से आप चाहो तो एक x और कॉमन ले सकते हो,
तो ये 2 से है, कैंसिल भी हो जाएगा, कितना आ गया भाई 2000, यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई सिर्फ रह जाएगा, उसकी वैल्यू आपके पास में आ गई 2000। ये आपके पास में इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है। अब आगे देखना भाई, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का भी तो देखें ये क्या लिखा हुआ कि इसकी वैल्यू आप मुझे बताओ, ये जो लिखा हुआ ना इसकी वैल्यू, तो इसको भी लिखते हैं कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसका कितना परसेंट भाई, इसका एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स परसेंट, यानी अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया, तो ये एक्स प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, यानी आपके पास नीचे कितना बना एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ध्यान से देखो नीचे कितना बन गया एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। और मुझे आप एक बार तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई आपने कितना निकाला 2000, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन इसकी वैल्यू आ गई 2000, तो ये बन गया 2000 और इंटू कितना आ गया 100, ये वैल्यू निकल के आई। अब इस 2 से कैंसिल हो गया 1000, तो आप मुझे बताना यहाँ से कितने जीरो आए, ये आ गया 1 अपॉन 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब ये इनवर्स में भी लिखा हो सकता है, ठीक है, आप ध्यान से देखें ना, तो ये इनवर्स में भी लिखा हो सकता है, 10 की पावर 5 है, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है 10 की पावर माइनस 5, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से एग्जाम में जिस तरह ऑप्शन में लिखा उस तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। या फिर 2 की भी किसी पावर में लिख सकता है, 2 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर माइनस 5, जो भी आपके सामने लिखा हो वो आप आंसर दे देंगे। तो ये क्वेश्चन था भाई, अच्छा सा क्वेश्चन था, आप इसको कोशिश करें समझने की, बस नॉर्मली मैंने सिंप्लीफाई किया है, बस इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी क्वेश्चन में कोई दम वाली बात थी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे भाई, आपके सामने इक्वेशन एक ही दे रखी है और वेरिएबल दो है, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो यहाँ पे इसने कंडीशन दी थी ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, बाकी इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हम अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे कुछ एक होगा तो। अब ये क्वेश्चन देखना भाई, ये मैंने आप लोगों को कल भेजा था टेलीग्राम चैनल पे, और आप लोग अगर आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत है, मैं पीडीएफ वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह भेजता रहता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, और मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं क्वेश्चंस वगैरह भेजता रहता हूं। तो क्या लिखा है कि ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी, बी इज एक्स माइनस 10% लेस देन सी, इफ ए ग्रेटर देन सी देन फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, तो आप मुझे एक्स की रेंज बताओ, ये वाली आप मुझे बात बताना भाई कितना होगा, कि इसकी रेंज कितनी होगी। चलिए भाई पहले मैं एक एक बात पे आता हूँ इसकी, जो इसने पॉइंट बोले हैं कि ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी, ए है ना वो बी से इतना ज्यादा है, ये भी आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, इसका ध्यान रखिएगा आप, ये क्वेश्चन आप घर से सोल्व करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बड़ा एक कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अब एक ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करो, बड़ा आसान सा है, लास्ट क्लास में मैंने भेजा था आप लोगों को। तो देखो ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी, ए है ना वो बी से एक्स परसेंट ज्यादा है, ए है वो बी से ज्यादा है, किससे बी से, तो मैं क्या बोलूंगा जो ए है ना ए वो बी से ज्यादा है, अभी तो बात बोली थी बी, और इससे एक्स परसेंट ज्यादा यानी 100, और ये कितना बन जाएगा 100 प्लस एक्स बन जाएगा, सही बोलने लगा हूं, ये है यहाँ की कंडीशन। और जो बी है ना बी, यहाँ पे अगली बात बोल रहा है बी, वो सी से इतना कम है, सी से इतना कम है, यानी सी और उससे कितना कम है भाई 100, और 100 में से क्या घटाएंगे भाई आप एक्स माइनस 10, यानी इतना कम है, लेस 10 है देखो, तो इतना कम है, तो 100 में से एक्स माइनस 10 घटाएंगे ना, तो ये 10 प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 और माइनस में एक्स, ये हो गया भाई आपके पास में सी, बी और सी। बाद में एक बात बोल रहे कि ए इज ग्रेटर देन सी, ए सी से बड़ा है, ठीक है। तो चलिए भाई ये दो बातें आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि ए सी से बड़ा भी है। तो अब चलो आप मुझे एक बात बताओ कि यहां से मैं इस क्वेश्चन को जब सोल्व करूं तो मेरे पास ए और सी दो चीजें मेरे पास लिखी हुई नजर आ रही है मुझे, कि ए और सी दो बातें मेरे पास लिखी हुई है, कि ए और सॉरी ए और बी, ए के इक्वल टू आपको दे रखा है बी इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, और बी के इक्वल टू दे रखा है सी इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये वैल्यू दे रखी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपसे इसकी रेंज पूछी है, और उसके लिए जो कंडीशन है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए है वो हमेशा सी से बड़ा ही होगा, यानी बराबर भी नहीं हो सकता और छोटा भी नहीं हो सकता, मतलब ए है वो हमेशा सी से बड़ा होगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से ए के बराबर लिखा, मैं यहाँ से सी की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो सी की वैल्यू कैसे लिखूंगा, बी इंटू 100 और डिवाइड बाय क्या आ गया 110 माइनस एक्स बराबर आ गया सी, आया कि नहीं आया।
अब सी की वैल्यू आपके पास में ए की वैल्यू लिखी हुई है। अब जो भी आपसे पूछा है वो आप कंडीशन सेटिस्फाई कराओ कि जो ए है ना वो सी से बड़ा है, यानी ए का मतलब ये वाला, ये कितना लिखा हुआ अभी, ये लिखा हुआ है बी इंटू 100 प्लस एक्स और अपोन में क्या लिखा हुआ है 100, ये बड़ा है किससे, सी से, यानी सी का मतलब बी इंटू 100 अपोन 110 माइनस एक्स। सही बोल रहा हूँ? तो आपसे रेंज ऑफ एक्स पूछी थी, बी से बी कैंसिल हो गया, ध्यान रखना है बड़ा है ये वाला पॉइंट। अब देखो ये इससे इधर आप इसको अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा भाई, ये आ जाएगा 1110 और ये बन गया 110 और ये 00 और आ गया, और प्लस में कितना आ गया 110, ये तो एक सेकंड ये प्लस का है ना, यहाँ पर ये प्लस का है भी, इसका ध्यान रखना प्लस का है, ठीक है। तो ये प्लस का और ये वाला माइनस का, यानी प्लस में 10x, ये आप लिख सकते हैं पूरा आप लोग सोल्व कर लेना, और माइनस एक्स स्क्वायर ये बड़ा आएगा 1114 ये वाला। अब आप यहां से x की वैल्यू में पॉजिटिव करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो यहां पे सिर्फ कितना बचेगा, ये यहां पे 10,000 और यहां पे 11,000, तो ओनली 1000 बच जाएगा, प्लस 10x और माइनस x स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। अब भाई मैं x को अगर पॉजिटिव करता हूं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, या फिर इसको मैं उधर भेज देता हूं या फिर इनको उधर भेज देता हूं, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 1000 और ये क्या आ जाएगा भी छोटा आ जाएगा 0 से। ध्यान से समझने की कोशिश करो, उधर वाला तो बड़ा था, ये वाला पार्ट तो 0 से बड़ा है, लेकिन इसको जैसे ही मैंने चेंज किया ना तो मेरे पास यहाँ पर कंडीशन चेंज हो चुकी है। आप ध्यान से देखो, ये वाला तो इसको मैं उधर लेके चला गया, ये वाले एक्स वाले पार्ट को, ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन चेंज हो गई, ये वाला जो पार्ट था ना इसको मैं उधर लेके चला गया। अब समझने की कोशिश करना भाई, या तो आप क्या करो कि इसको एक तो वैसे सोल्व कर लीजिए आप, जैसे जो है श्री द्राचार्य फॉर्मूला से आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आपको एक चीज समझ आएगी, माइनस 10x मैं किसी तरह इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं। तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25 ऐड कर दिया, प्लस 25 घटा दिया, तो ये इससे इस 1000 को उस तरफ भेज देता हूं और दोनों तरफ ये 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1025, इतना आ गया, ठीक है, ये उधर चला गया ना, प्लस का हो जाएगा ये, तो ठीक है ये प्लस का हो जाएगा। या फिर आप इसको चाहो तो इधर भी छोड़ सकते हो, इतना सा भी आप इसको सोल्व कर सकते थे यहाँ वाले को, कि 1000 को जो था ना मैं उधर ही छोड़ देता, ठीक है, ये प्लस का था तो प्लस ही छोड़ देता ऐसे, तो 1000 से छोटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैंने 25 ऐड कर लिया, ये देखो देखे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25, ये बन गया एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा किससे, 1025 से। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो 1025 किसके नजदीक होता है, किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो यहां से जो x माइनस 5 आएगा ना ये छोटा होगा किससे, 32 से, यानी x हमेशा छोटा होगा किससे, 37 से। मेरा कहने का मतलब है कि x हमेशा 37 से छोटा होगा, यानी आपके पास में रेंज मिल गई कि x हमेशा 37% से छोटा रहेगा, लेकिन ये किसी से बड़ा भी तो रहेगा, आपसे तो रेंज पूछिए कि कहां से कहां तक रेंज है, तो आपके पास में क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर क्वेश्चन में है कि कहां से कहां तक रहेगा, b इज x माइनस 10% लेस देन c, यानी x माइनस 10%, मतलब कि x जो है ना वो 10 से तो बड़ा है, क्योंकि इसमें माइनस दे रखा है, मतलब x 10 से बड़ा होगा चाहे 10.5 ही हो जाए, लेकिन 10 से बड़ा होगा, इतना इस क्वेश्चन ने पहले कह दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि यहां से x क्या आएगा भाई, 10 से तो बड़ा आ जाएगा और किससे छोटा आ जाएगा, 37 से छोटा आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया 10%, यहाँ पे लिख लेना क्योंकि x परसेंट में है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन से समझ आए होंगे, इस क्लास में मैंने अलजेब्रा का भी थोड़ा यूज हुआ है, अलजेब्रा आपको अच्छे से समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अलजेब्रा भी जल्दी स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, फिलहाल आप परसेंटेज पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, और जो जो बातें मैं बताऊंगा जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं छोटे एग्जाम्स वगैरह में आते हैं वो तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कैट या जेट के पेपर्स में आते हैं, और वहां पे जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिनको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इन क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये भी आप लोग सोल्व करें ताकि आप लोगों के आगे कहीं पर दिक्कत नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लास समझ आई होगी, और ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, तो भाई आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।